आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लब फैक्ट्री को लेकर। जी हाँ, अगर आप एक सेलर हैं, आप अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं, तो क्लब फैक्ट्री आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है वह है नो मार्केट प्लेस फीस। जी हाँ, क्लब फैक्ट्री में किसी भी प्रकार का कमीशन ना ही कोई हिडन चार्जेस हैं जो कि आपको पे करने होते हैं। और यहाँ पर इनका एक और जो पावरफुल पॉइंट है वह है इनका नॉलेज ग्राफ और AI एल्गोरिदम, जिसके माध्यम से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्राइस को कंपेयर किया जाता है और जिसके कारण ही क्लब फैक्ट्री आज सक्सेस है। तो यहाँ पर एक तो कस्टमर को सबसे कम प्राइस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ना ही मार्केट प्लेस से कोई भी फीस वसूली जा रही है। तो यहाँ पर सेलर को भी प्रॉफिट होता है और एक कस्टमर को भी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्लब फैक्ट्री में रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या उसकी प्रोसेस है, क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हम आ चुके हैं सेलर सेंट्रल पर। जी हाँ, कुछ इस तरह से आपको एक सिंपल सा इंटरफेस देखने मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो मेन हाईलाइट है वह है 100 मिलियन कस्टमर्स। क्लब फैक्ट्री पर 100 मिलियन प्लस कस्टमर आपको मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाता है, और नीचे साइड यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे आप क्लब फैक्ट्री में 10 मिनट के अंदर अपना एक सेलर अकाउंट बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन क्लब फैक्ट्री अकाउंट। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है वह है पर्सनल डिटेल और कंपनी इन्फॉर्मेशन की। थर्ड यहाँ पर है स्टोर इन्फॉर्मेशन और लास्ट फाइनल वेरिफिकेशन। अब बात आती है बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वह है कमीशन। जी हाँ, क्लब फैक्ट्री में शुरुआती टाइम में यहाँ पर आपको कोई भी कमीशन पे नहीं करना है अदर मार्केट प्लेस के जैसे। अगर आप अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी सेलर हैं तो आपको यह जानकारी बहुत अच्छे से होगी कि आपको मार्केट प्लेस फ़ीस देनी होती है। बट क्लब फैक्ट्री में अभी फ़िलहाल में ऐसी कोई भी फ़ीस डिसाइड नहीं है जो कि आपको देनी होती है। तो इससे जो बेनिफिट होगा वह एक सेलर को भी होगा और एक कस्टमर को भी होगा। इसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वह है इसकी लिस्टिंग, जो कि टोटली फ्री है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। बहुत ही कम टाइम में आप क्लब फैक्ट्री पर लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलियंस ऑफ कस्टमर्स मिल जाते हैं, फ्री सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको पॉइंट्स देखने मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कुछ यहाँ पर स्टैटिक्स देखने मिल जाते हैं, 100 मिलियन प्लस कस्टमर, 8000 प्लस कैटेगरीज, 20 मिलियन प्लस ऑर्डर एवरी ईयर। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ सर्विसेज भी देखने मिल जाती हैं और कुछ पर्सनल लेसन्स भी हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लब फैक्ट्री में अपना एक अकाउंट क्रिएट, जिसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है अपना मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद सिंपली आपको सेंड SMS पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, इस कोड को हम टाइप करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, जो भी आपका अकाउंट का पासवर्ड होगा। तो यहाँ से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नेम टाइप करना है। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर पार्टनरशिप, तो यहाँ पर आपको कंपनी नेम देना होता है। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं भी है तो आपको एक कंपनी नेम देना होता है। इसके बाद यहाँ पर है मेन कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी में डील करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल्स कैटेगरीज मिल जाती हैं, तो जिस कैटेगरी में भी आप सेल करना चाहते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यह एक मेन कैटेगरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वह है GST नंबर। तो GST नंबर मैंडेटरी है, यहाँ पर आपको GST नंबर देना होगा। विदाउट GST नंबर के आप क्लब फैक्ट्री पर अकाउंट नहीं बना सकते। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर पैन कार्ड का है, आपको पैन कार्ड भी देना होगा जो कि मैंडेटरी है। नीचे साइड यहाँ पर आपको पैन कार्ड का फ्रंट साइड और पैन कार्ड का आपको बैक साइड अपलोड करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड ब्रांड हैं, अगर आपके पास अपना ब्रांड रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है, तो यहाँ से आप उसका फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड कर सकते हैं।
हालांकि यह एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, अगर आपके पास है तो एक बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी है तब भी आप क्लब फैक्ट्री पर सेल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बिजनेस इन्फॉर्मेशन का। जी हाँ, यहाँ पर आपको शॉप का नेम देना है, तो जिस भी नेम से आप क्लब फैक्ट्री में सेल करना चाहते हैं, जो भी आपकी शॉप का नेम है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं, इम्पोर्टर हैं या फिर आप प्रोडक्ट को रिसेल करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद बिजनेस कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 5 कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैग्स, तो इस तरह से यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है, स्टोर लिंक ऑन अदर प्लेटफॉर्म। तो अगर आप किसी डिफरेंट मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, मिंत्रा, तो यहाँ से आप उसे अटैच भी कर सकते हैं। चाहे तो आप अमेजोन का URL दे सकते हैं, या फिर अगर आप किसी सोशल मीडिया हैंडलर को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट और फाइनल इन्फॉर्मेशन आती है वह है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नेम देना होता है, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना होता है, देन ईमेल एड्रेस, व्हाट्सअप अकाउंट अगर आपके पास है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है क्लब फैक्ट्री बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो अगर है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना है और उसे सबमिट करना है। बट सबमिट करने से पहले आप चाहें तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट है जिसे आप केयरफुली रीड करें, जिसमें आपको क्लब फैक्ट्री एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो हम फटाफट इस इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली हमने अपने एप्लीकेशन को सबमिट किया है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ऑडिट रिजल्ट की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। कम से कम आपको 3 दिन वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वह आपको ऐड करनी होती है और फाइनली आपका क्लब फैक्ट्री का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ओके गाइज, तो इस तरह से आप क्लब फैक्ट्री में अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी इनकी प्रोसेस होती है वह 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है और फाइनली आपको अपना अकाउंट मिल जाता है। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 10,000 सेलर को जोड़ा जा रहा है, तो अभी यह एक बहुत ही सही टाइम है क्लब फैक्ट्री से ऐड होने के लिए। अगर आपको सेलर अकाउंट को क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।